नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पीओके में चीन के निवेश पर मोदी ने जताई चिंता। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन की ओर से बड़े पैमाने पर निवेश करने के मुद्दे पर अपनी चिंता जताने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उससे उन कुछ मुद्दों पर उसके रुख पर पुनर्विचार करने को कहा जो द्विपक्षीय संबंधों में बाधक हैं। साथ ही चीन को सुझाव दिया कि वह दोनों देशों के संबंधों को सामरिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखे। प्रधानमंत्री ने बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री ली क्विंग से व्यापक विषयों पर बातचीत की और वीजा मुद्दे पर ठोस प्रगति चाही। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चीन द्वारा नत्थी वीजा देने से यह विषय जुड़ा हुआ है। दोनों पक्षों ने 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें रेलवे, खनन, अंतरिक्ष, भूकंप विज्ञान, इंजीनियरिंग, पर्यटन, सिस्टर सिटी और चेंगदू तथा चेन्नई में महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने के विषय शामिल हैं। अब ज्यादा लोग जा सकेंगे कैलाश मानसरोवर। प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन की अपनी पहली यात्रा पर आए नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां घोषणा की कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा मार्ग नाथुला अगले महीने से खुल जाएगा, जिससे और अधिक भारतीय तीर्थ यात्रियों को वहां जाने का मौका मिल सकेगा। मैं चीन को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मार्ग वहां जाने के लिए अभी उपयोग किए जा रहे उत्तराखंड स्थित लिपुलेख दर्रे के अलावा होगा। नाथुला मार्ग से भारतीय तीर्थ यात्रियों, विशेष तौर पर बुजुर्ग भारतीय नागरिकों को बसों से आरामदायक स्थिति में यात्रा करना सुगम हो सकेगा। अश्लील एमएमएस बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सीबीआई ने पोर्न क्लिप और अश्लील एमएमएस बनाकर वेबसाइट तथा सोशल मीडिया में जारी करने वाले देश के सबसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसके सरगना को बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया है। उसके पास से 500 से अधिक पोर्न क्लिप मिली हैं। इनमें महिलाओं के साथ ही बच्चों को भी आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार यह देश का सबसे बड़ा गिरोह है। इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आरोपी भी शामिल हैं। चश्मा पहनकर मोदी से मिलना भारी पड़ा। छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के समय धूप का चश्मा पहनना और सही कपड़े नहीं पहनना दो कलेक्टरों को भारी पड़ गया। इस संबंध में राज्य सरकार ने जगदलपुर कलेक्टर अमित कटारिया और दंतेवाड़ा कलेक्टर केसी देव सेनापति को नोटिस जारी किया है। साथ ही सरकार ने इन दोनों कलेक्टरों को चेताया है कि भविष्य में इस प्रकार का कोई कृत्य न करें जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की गरिमा के अनुरूप न हो। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।